नमस्कार दोस्तों, आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1931 को ही शहीद भगत सिंह का एग्जीक्यूशन हुआ था, उनको फांसी दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में। तो आज इस मौके पर उनकी जेल डायरी में लिखा हुआ एक शेर प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि 1929 से 1931 के बीच में 2 साल जितने दिन वो जेल में बंद रहे, उन्होंने विश्व के बहुत महान विचारकों की अध्ययन किया तमाम, जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, दोस्तोवेट्स्की, विलियम वर्ड्सवर्थ, उमर खयाम, मिर्जा गालिब, तमाम लोगों का उन्होंने अध्ययन किया और खुद बहुत अच्छा भी लिखते थे। तो उनकी जेल डायरी का एक शेर मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ और उनकी लिखावट आप देखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, आज जो घटनाएं चल रही है गरीबी के बारे में, वर्ग संघर्ष के बारे में, तमाम बातें उन्होंने लिखी। और इस शेर से ये पता चलता है कि उनके अंदर कितना उन्मुक्तता थी, कितने निडर हुआ करते थे वो। तो मैं पहले हिंदी में बताऊंगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो शेर कुछ इस तरह का है, इसके लिए दो शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। जिबह, जिबह एक उर्दू का शब्द होता है, उसका मतलब होता है हलाल करना, एक कत्ल करना। और सयाद, सयाद बोलते हैं जल्लाद को। तो शेर कुछ इस तरह का लिखते हैं भगत सिंह कि तुझे जिबह करने की खुशी, तुझे जिबह करने की खुशी मुझे मरने का शौक है, तुझे जिबह करने की खुशी मुझे मरने का शौक है, मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सयाद की है, मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे जल्लाद की है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह का है कि स्लॉटरिंग मेक्स यू हैप्पी एंड आई क्रेव टू डाई, स्लॉटरिंग मेक्स यू हैप्पी एंड आई क्रेव टू डाई, मी एंड माई किलर बोथ हैव द सेम डिजायर, मी एंड माई किलर। इसी के साथ भगत सिंह को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ आज। थैंक यू।